परमेश्वर का धन्यवाद हो उसकी दया के लिए कि वो प्रियो हमें प्रतिदिन एक नए तरीके से खड़ा करना चाहता है। वो पुरानी बातों में हमको लेके नहीं चलता, वो निरंतर अपनी अगुवाई के द्वारा हमें दृढ़ और स्थिर करना चाहता है। प्रियो परमेश्वर के वचन में यूहन्ना की पुस्तक उसका 3 अध्याय उसके 21 पद में यूं लिखा है, जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है। जो सत्य पर चलता है, परमेश्वर पिता पर जो हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, केवल वो ही प्रियो वो केंद्र बिंदु या आधार नहीं होता हमारे जीवन में बदलाव के लिए या आश्चर्य कर्मों के लिए या आशीषों के लिए। वचन ऐसा कहता है जो सत्य पर चलता है वो ज्योति के निकट आता है। सिर्फ ज्ञान रखना ही काफी नहीं है, यदि हम परमेश्वर के बताई गई बातों पर जब जीवन जीना शुरू करते हैं, हमारी बोली, हमारा व्यवहार, हमारा जीवन जीने का ढंग, हमारे तौर तरीके, हमारा आना जाना, हमारा उठना बैठना, जब परमेश्वर के वचन और इच्छा और अगुवाई के अनुसार जब उस पर हम चलते हैं, वचन में लिखा है, तब हम ज्योति के निकट आते हैं। प्रो एक बहुत बड़ा इस समय एक युद्ध छिड़ा हुआ है। अगर आप देख सकते हैं अपने चारों ओर, तो जो दुष्ट है, जो शैतान है, वो अपनी गतिविधियों में इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव है। वो क्या कर रहा है, समहाउ परमेश्वर के लोगों को वो रोकना चाहता है कि किसी भी प्रकार वे सत्य पर खड़े ना होने पाए, वो उन बातों पर खड़े ना होने पाए जो परमेश्वर ने उनके जीवन में, उनके मनों में, उनकी आत्मा में रखी है। परमेश्वर ने हम सब के लिए प्रियो एक विशेष पहचान, एक विशेष बुलाहट रखी है, पर दुष्ट क्या कर रहा है इस समय, उसका एक मुहिम है कि कैसे परमेश्वर के लोग कमजोर हो जाएं, परमेश्वर के लोग उन आधार वाली बातों को मिस कर दें। आप सोच रहे होंगे मैं कैसी बातें कर रही हूं। हाँ प्रियो, इस समय एक अलगाव हम लोगों के जीवन में देख रहे हैं। लोग जल्दी कड़वे हो रहे हैं, बुरा मान रहे हैं, क्षमा नहीं कर पा रहे, पुरानी बातों को भूल नहीं पा रहे और आगे को बढ़ नहीं पा रहे। और शत्रु क्या कर रहा है, वो हमको आत्मिक रूप से ऐसे कमजोर और कमजोर और कमजोर करता चला जा रहा है ताकि वो एक कस के वार करे और हमको धाराशायी कर दे। पर प्रियो वचन कहता है हम दुष्ट की युक्तियों से अनजान नहीं है। हमें क्या करना है, हमें सत्य की पहचान में खड़ा होना है। परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह की पहचान में बुलाया है, उसने हमारे अंदर विशेष बातों को रखा है, उसने अगुवाई करी है और हमको उसी के आधार पर जीवन व्यतीत करना है। पर हम देख रहे हैं एक अलगाव लोगों के जीवन में आ रहा है, लोग कड़वे हो रहे हैं और यहाँ तक कि वो उस बात को भूल बैठे हैं कि उसके बाद जो विचार आ रहा है, सब कड़वे हैं मान लीजिए, और उसके बाद जो हमारे पास विचार में आ रहा है, जो ना क्षमा करने के बाद जो विचार आ रहा है, आप कैसे कह सकते हैं कि वो परमेश्वर की ओर से है। नहीं प्रियो, वचन में लिखा है यदि हम अपने अपराधों को मान ले तो वो हमें क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हमें उस प्रोटोकॉल को पूरा करना होता है, सही ढंग से परमेश्वर के सामने आना होता है, तब जो आप अगुवाई प्राप्त करते हैं वो परमेश्वर की ओर से होती है। हाँ प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ इस परख को रखने के लिए, हर बात परमेश्वर की ओर से नहीं होती। हम कुछ भी जो सुनते हैं वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता। जब हम सही ढंग से चलते हैं, सत्य पर खड़े होते हैं, जो पहचान प्रभु यीशु मसीह में हमें मिली है, जो स्वभाव हमें प्रभु यीशु मसीह में मिला है, जो जीवन हमें प्रभु यीशु मसीह में मिला है, जो वचन हमें प्रभु यीशु मसीह से मिला है, जब उस पर चलते हैं तब हम ज्योति के निकट आते हैं। गलत भावना रखने के बाद यदि हम किसी प्रकार की आवाज को सुनते हैं या कोई निर्णय को लेते हैं, वो परमेश्वर की ओर से प्रयोग नहीं होता। एक धोखे की आत्मा टेक ओवर कर लेती है और हमें होशियार रहना है, क्योंकि वचन ऐसा कहता है परमेश्वर ऐसों को ढूंढते हैं। यूहन्ना की पुस्तक उसका 4 अध्याय उसके 23 पद में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ऐसों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें और उसके पीछे हो लें। जी प्रियो, आराधना करने की बात नहीं की गई है,
सच्चाई पर चलने की बात की गई है और यीशु के पीछे, किसी और बात के पीछे नहीं, यीशु के पीछे होले। यीशु ने प्रियो अपने इस पृथ्वी पर रहने के दिनों में उन्होंने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करी। यूहन्ना के पुस्तक 17 अध्याय 21 पद में यीशु ने परमेश्वर पिता से प्रार्थना की कि वे सब एक हो जैसे तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। प्रियो, जो गलत विचार है, जो कड़वाहट है, जो ना क्षमा करना है, जो जलन है, जो गुस्सा है, जो घमंड है, जो अलगाव है, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। जहाँ ढहा और बखेड़ा है, वह वो बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसको हमें समझना बहुत आवश्यक है। पर जहाँ एकता है, जहाँ प्रेम है, जहाँ क्षमा है, वही यीशु है। वचन में लिखा इसके ही द्वारा संसार जानेगा, इसी के द्वारा लोग जानेंगे कि हम किसके हैं। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहने के दिनों में सबकी मनों को, बातें के बातों को जानने के बावजूद भी प्रियो एक बात में कार्य किया, प्रेम करने में। प्रेम करने में प्रियो, यीशु के स्वभाव से हटकर हम कोई और स्वभाव को यदि धारण करते हैं तो हम सत्य पर नहीं चलते। यदि हम सत्य पर चलेंगे तो प्रियो हम ज्योति के निकट आएंगे। शत्रु बहुत सारे चालों के साथ में आप पर धावा बोलना चाहता है, आपको गड़बड़ा देना चाहता है, परेशान कर देना चाहता है, दबा देना चाहता है कि कैसे परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा प्रकाशित ना होने पाए, कैसे यीशु इस संसार में लोगों के जीवन के सामने, उनकी आंखों के सामने दिखाई ना देने पाए। हमें होशियार होना है, हमें होशियार होना है, हमें सत्य की पहचान में खड़ा होना है। प्रियो, यशाया की पुस्तक उसका 28 अध्याय और उसके 5 और 6 पद में ऐसा लिखा है, उस समय सेनाओं का यहोवा स्वयं अपनी प्रजा के बचे हुओं के लिए सुंदर और प्रतापी मुकुट ठहरेगा और जो न्याय करने को बैठते हैं उनके लिए न्याय करने वाली आत्मा और जो चढ़ाई करते हुए शत्रु को नगर के फाटक से हटा देते हैं उनके लिए वो बल ठहरेगा। परमेश्वर किसके लिए बल ठहरेगा? जो शत्रु को फाटक से पीछे खदेड़ देते हैं। बहुत सारी बातें आ रही हैं पर आपको खदेड़ना सीखना पड़ेगा। बहुत सारी बातें आ रही हैं दबाने के लिए पर आपको शत्रु को फाटक से पीछे खदेड़ना पड़ेगा, तभी हम परमेश्वर के बल को पाएंगे। यदि आप ऐसी सोच में हैं तो परमेश्वर की ओर से एक विशेष बल, एक विशेष सामर्थ परमेश्वर की ओर से आपके पास में आने के लिए बात जोरी है। प्रियो, सत्य की पहचान में खड़ा होना है। हम सत्य की पहचान में खड़े होंगे, शत्रु को पीछे खदेड़ेंगे, हम उस विचार को पीछे खदेड़ेंगे जो परमेश्वर की योजना को, उद्देश्य को हमारे जीवन में पूरा होने से रोक रही है, तो हम प्रियो ज्योति के निकट आते हैं, हम परमेश्वर की महिमा के निकट आते हैं, हम उस उपाय के निकट आते हैं, उस नए अभिषेक को प्राप्त करते हैं। एक नया डायमेंशन, एक नया मनुष्य हमारे अंदर से खड़ा होने पाएगा, वो लोग जो सत्य पर चलते हैं। बहुत आवश्यक है प्रियो कि अपने व्यवहार में, अपनी सभा में हम उन बातों को लेकर आए जो यीशु की हैं, जो यीशु जैसी ही हैं। इसी पर जब हम चलेंगे, वचन में लिखा है कि हम एक नए बल को पाएंगे, नए सामर्थ को पाएंगे, और सिर्फ पाएंगे नहीं प्रियो, हम उसमें जिएंगे भी। पर कौन लोग इसको प्राप्त करके उसमें जिएंगे? जो शत्रु को पीछे खदेड़ेंगे। हर वो भावना को एंटरटेन नहीं करें जो यीशु मसीह की पहचान का विरोध करती है, हर उस विचार को एंटरटेन बिल्कुल नहीं करें, बिल्कुल भी उसको मनन ना करें जो यीशु मसीह की स्वभाव का विरोध करती है। यीशु मसीह की इच्छा केवल यही है कि जैसे पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह एक है, वैसे हम भी आपस में एक हों और हम परमेश्वर में एक होने पाए। परमेश्वर की इच्छा यही है। तो सही ढंग से चलना
बहुत आवश्यक है। दुष्ट के झूठ में अपने समय को ना गवाएं, दुष्ट की धोखा देने वाली बातों में अपने समय को ना गवाएं, खदेड़ दें शत्रु को, नगर के फाटकों से खदेड़ डालें और परमेश्वर उसके लिए आपको बल देंगे कि आप सिंहासन पर बैठने के योग्य हो सके, उस फाटक में उस परमेश्वर की महिमा में आप प्रवेश करने के योग्य हो सके। प्रभु आपको आशीष देना चाहता है प्रियो, नए स्तर पे लेके जाना चाहता है, पर उनको जो सत्य पर चलते। अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, जबकि हम देखते हैं बहुत सारा झूठ और दुष्ट का फैलाया हुआ एक बड़ा जाल हमें रोकने की कोशिश कर रहा है, सत्य पर चलने से, खड़े होने से, जीवन व्यतीत करने से रोक रहा है, मेरे प्रभु हमें ना कहना सिखा दें, शत्रु को हराना सिखा दें, हमारी उंगलियों को भी युद्ध लड़ना पिता सिखा दें, ताकि हम शत्रु को नगर के फाटक से खदेड़ सकें। प्रभु ऐसा बल हम सबको दें, ऐसा हियाव दें प्रभु कि हम परख सकें प्रभु कौन सी बातें आपकी ओर से और कौन सी बातें शत्रु की ओर से। प्रियो को, हमारे सारे लोगों को प्रभु आपकी मदद की आवश्यकता, आंखें खुल जाए प्रभु, सहायता करने वाले प्रभु, इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम में मांगते हैं। प्रभु आप सत्य पर चलने के लिए मन लगाएंगे, प्रभु की ओर से उसका बल, उपाय और महिमा आपकी बाट जो रही है, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।